हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको कैसे मेज़र करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। अभी इंसुलेटिंग जो रेजिस्टेंस है, इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस मीन्स कि कोई भी दो कंडक्टर के बीच का जो इंसुलेटर है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है? अभी जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब कि जो कोई भी दो कंडक्टर हैं उसके बीच को जो सेपरेट कर रहा है, जो दो अलग कर रहा है, वो जो मटेरियल होगा उसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल बोलेंगे। मतलब कि कोई भी दो कंडक्टर को जो अलग रखता है, सेपरेट रखता है, वो मटेरियल को इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं। उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। ये इंसुलेटिंग मटेरियल कुछ भी हो सकता है, रबर हो सकता है, बराबर, फिर एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे हमें पता क्या चलेगा कि कोई भी दो कंडक्टर के बीच में कितनी दूरी है, कितना इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस है, वो पता चलेगा। मतलब कि अगर ये इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस कम आ रहा है, मतलब कि समझ लो ज़ीरो आ रहा है, तो ये मैक्सिमम चांसेस है कि दो कंडक्टर के बीच में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। मतलब कि जितना इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस कम आएगा उतना फॉल्ट होने का, अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस मैक्सिमम है। मेगर का इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे हम इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं। अभी मेगर में क्या होता है कि आपको सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करनी होती है, उसमें 250 वोल्ट, फिर 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, मतलब कि 1 KV, 5 KV, 6 KV, सॉरी 10 KV, इतनी रेंज होती है। तो सबसे पहले आपको रेंज सिलेक्ट करनी होती है। तो समझ लो आपकी सिस्टम है वो 415 वोल्ट है, तो आप 250 वोल्ट पे मेजर कीजिए, रेंज 250 वोल्ट कीजिए। अगर आपकी सिस्टम 6.6 केवी है तो आप 500 वोल्ट या 1 केवी पे मेजर कीजिए। अगर आपकी सिस्टम 33 केवी है, 33 केवी या उससे अबो है, 66 केवी है, तो 5 केवी से कीजिए। और अगर आपकी सिस्टम 132 केवी या 220 केवी या उससे अबो है, तो 10 केवी कीजिए। हम इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस है वो वाइंडिंग टू वाइंडिंग और वाइंडिंग टू अर्थ लेते हैं। टू टाइप से हम इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। मतलब कि समझ लो हमारा आर वाई और बी तीन वायर है, तो R और Y के बीच में हम इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे, फिर बाद में Y टू B और R टू B, और फिर बाद में हम करेंगे, ये हुआ फेस टू फेस, वाइंडिंग टू वाइंडिंग। और दूसरा होता है वाइंडिंग टू अर्थ, मतलब R टू अर्थ, Y टू अर्थ और B टू अर्थ। जनरली क्या होता है कि केबल के अंदर R, Y, B तीनों कंडक्टर होते हैं, जैसे R कंडक्टर हुआ, फिर Y कंडक्टर हुआ, फिर बी कंडक्ट हुआ, उसके बीच में इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस होता है। ये इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस होता है, इसके इंसुलेटिंग मटेरियल होता है इसके बीच में। तो अगर हम आर टू समझ लो, ये अपना ये आर है, ये वाई है, ये बी है, तो आर और बी उसके बीच में एक प्रोब हमें आर पे रखना है, दूसरा प्रोब वाई पे रखना है, और फिर समझ लो ये हमारा 11 केवी का केबल है, तो हम जनरली रेंज रखेंगे 1 केवी या 5 केवी, और फिर इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे। अगर वो ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो ये रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट ओम होगा, तो जनरली अगर ये ज़ीरो आ रहा है तो उसका मतलब आर और वाई वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो गई है। अभी मिनिमम कितना आना चाहिए तो वो आपको मैं बताता हूँ कि जितनी केवी की आपकी सिस्टम है, सिस्टम वोल्टेज प्लस 1 इज इक्वल टू इतना मेगा ओम आना चाहिए। ये एक थंब रूल है, इतना इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस मिनिमम आना चाहिए। जितना ज़्यादा आएगा उतना अच्छा है, मतलब कि उतना उस दो केबल या वो केबल टू अर्थ
फोल्ड होने का चांसेस बहुत कम है। समझ लो कि समझ लो आपकी सिस्टम है 6.6 केवी की है, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 7.6 मेगा ओम मिनिमम आना चाहिए। और जब जितना भी इंसुलेटिंग मटेरियल और रेजिस्टेंस कम होगा उतना मैक्सिमम चांसेस है कि इसके दो के बीच में वाइंडिंग टू वाइंडिंग और वाइंडिंग टू अर्थ फोल्ड होने का चांसेस मैक्सिमम है। इसका मैं प्रैक्टिकल डेमो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जनरली वो मेगर जो होता है वो जनरली मल्टीमीटर टाइप का ही होता है। यहाँ पे सिलेक्टर स्विच होती है और दो प्रोब होते हैं, आपको रेंज सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो इसका मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकल डेमो चाहिए होगा, सिंपल ही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।